मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षक संस्था संगठन के समस्त पदाधिकारी व जिला अध्यक्ष और सचिवों की बैठक सोमवार को डेल्टा स्कूल में रखी गई है। सर्वप्रथम सरस्वती पूजन स्वर्गीय आचार्य जी की सुपुत्री अर्चना आचार्य और अमित आचार्य द्वारा किया गया है। तत्पश्चात में स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र आचार्य जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उसके पश्चात में मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षक संस्था संघ के अध्यक्ष पद पर समस्त प्रांतीय पदाधिकारियों, समस्त जिला अध्यक्ष और सचिव ने सर्वानुमत से दीपेश ओझा को प्रांतीय अध्यक्ष पद पर रतलाम निर्वाचित किया गया है। आचार्य जी सर को श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया था। श्रद्धांजलि सभा के उपरांत 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही उनकी जगह जो एक प्रोटोकॉल देता है कि नए अध्यक्ष का चयन भी सर्वानुमति से हो, तो उसका भी चयन किया गया। वर्तमान में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई ताकि जो सर के बताए हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, वो सुचारू रूप से गतिशील रहें और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। कौन कौन से आए हैं सर आज? आज लगभग 12 से 15 जिलों से आए हुए हैं। अच्छा, दोनों से आए हैं, शाजापुर से आए हैं, रतलाम से आए हैं, आगर मालवा से आए हैं, देवास से आए हैं, उज्जैन से आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपेश ओझा, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश प्रांतीय शासकीय शिक्षण संस्था संघ, देवास से। राजेश पवार की रिपोर्ट।